चैनल आज मैंने सुबह अपना मॉर्निंग वर्कआउट कर लिया, आज स्प्रिंट्स थी तो आज स्पीड वर्कआउट था, मजा आया, इट वॉज रियली गुड। तो आज मेरी टेनिस क्लास हो नहीं पाई जिसके साथ मैंने खेलना था, वो आज आया नहीं, तो अभी मैं जल्दी फ्री हो गया हूँ। तो सोचा अभी घर जाके तो कोई फायदा नहीं है, तो यहीं हमारे पास में स्टेडियम है, बिल्कुल 5 मिनट की ड्राइव है मेरी एकेडमी से, तो सोचा वहाँ चले जाता हूँ। तो वहाँ मेरा फ्रेंड रोज ही जाता है वहाँ पे वर्कआउट करने, तो मैं उसी के पास जा रहा हूँ एंड आपको स्टेडियम भी दिखाते हैं कि कैसा है। यहाँ पे ताऊ देवी लाल है, ये सेक्टर 3 पंचकुला में है, तो आपको स्टेडियम दिखाते हैं एंड क्रिकेट ग्राउंड भी, वो भी दिखाएंगे। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चलो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेडियम में आ गया हूँ एंड अब अंदर जाके देखते हैं कि पार्थ वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि वो एवरी मॉर्निंग वो यहाँ पे आता है एंड वर्कआउट करता है, कहता तो हमें यही है कि वर्कआउट करता है, लेकिन आज जाके चेक करते हैं कि देखते हैं कि वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलो इसी के साथ अंदर चलते हैं। ये देखो पार्थ भागता हुआ आ रहा है, काफ़ी दूर से कर रहा है वर्कआउट, लेकिन लग रहा था इज़ नॉट डूइंग, लेकिन करता है सुबह आके। अब पार्थ फुल रनिंग फुल वर्कआउट वगैरह चल रहा है, ये देखो इसको सुन नहीं रहा, इसने कानों में ईयरफोन पहने, मैं कहा फुल वर्कआउट चल रहा है, फुल रनिंग चल रही है। डेड ब्रो, इतना कितना वर्कआउट कर लिया भाई? 5 राउंड। अच्छा स्टेट 5 राउंड मतलब 2 किलो, सही है यार। तो आज अभी आया कि पहले आ गया था मॉर्निंग में? लेट हो गया। अच्छा तो मन नहीं करता आने का, फिक्र नहीं, वो तो ये ठंड में वो मेरे से खुद नहीं उठा जाता। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं, हम जो सारे इकट्ठे हैं, सारे सोचते हैं कि ये स्टेडियम वैसे रोज आता है, मुझे तो पता है कि मैंने उसको देखा हुआ, लेकिन जो बाकी दोस्त हैं सारे समझते हैं कि ये आके से वेली मारता है, लेकिन आज इसको देखा भागते हुए तो अच्छा लगा। तो रोज ही फिटनेस स्टार्ट है, बीच में छूट गई थी, अब तो स्टार्ट ही है ऑलमोस्ट मैक्सिमम। तो अभी बस जस्ट हो गया वर्कआउट की, अभी और करना है एक्सरसाइज रह गया थोड़ी सी। अच्छा चलो फिर करते हैं एक्सरसाइज। पार्थ हो गया आज का वर्कआउट, जैकेट कहाँ पहन रहा अभी? बस यार बहुत हो गया आज। तो इतना कितना अभी तो मोस्टली तुमने 30 मिनट का वर्कआउट ही किया, सुपर तो क्या ही वर्कआउट किया। सो गाइज ये है वो स्टेडियम जहाँ पे मैं भी वर्कआउट करने आता था एंड पार्थ भी आया है। तो ये सेक्टर 3 पंचकुला में है, इस स्टेडियम का नाम है ताऊ देवी लाल स्टेडियम एंड ये एथलेटिक ग्राउंड है, ये सारा सिंथेटिक मेड है एंड यहाँ पे सुबह शाम यहाँ पे आके एथलीट प्रैक्टिस करते हैं एंड ये हरियाणा का बेस्ट स्टेडियम में से एक है एंड यहाँ से काफ़ी प्लेयर्स निकले हैं एंड एक तो काफ़ी रिप्यूटेड नीरज चोपड़ा जो कि जैवलिन थ्रोअर है, वो यहीं पे प्रैक्टिस करता था एंड यहीं से निकला है एंड अभी भी इस टाइम पे बच्चे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड अर्ली मॉर्निंग सेशन भी होते हैं, मतलब 5 o'clock यहाँ पे बच्चे आते हैं वहाँ यहाँ आके प्रैक्टिस करते हैं एंड इवनिंग में भी क्लासेस होती हैं। तो मैं भी काफ़ी यहाँ शुरू से आता रहा हूँ एंड मेरे फादर यहीं काम करते थे, तो मेरे फादर भी यहीं पर कोच थे, तो मैं भी यहाँ पर बचपन से ही आ रहा हूँ, यहीं मैंने फिटनेस अपनी करता रहा हूँ, तो अभी भी आता हूँ, अभी जब टाइम मिल जाता जैसे आप फ्री था तो आज मैं आ गया पार्थ के पास। तो सो गाइस पार्थ का हो गया वर्कआउट कंप्लीट एंड अब हम आ गए हैं बाहर स्टेडियम के, जो एथलेटिक स्टेडियम है। तो अब आपको ना टूर कराते हैं स्टेडियम का, जो जो है आसपास दिखाने वाली चीज़। तो अभी हम जा रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम, तो वहाँ पर आपको दिखाते हैं क्रिकेट स्टेडियम कैसा है यहाँ का, तो चलो चलते हैं वहाँ पर। सो गाइस ये है क्रिकेट स्टेडियम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं एंड ये काफ़ी पुराना बना हुआ है,
इंडिया में सबसे पहले जो T20 लीग आई थी वो यहाँ ही स्टार्ट हुई थी, कपिल देव जी ने ऑर्गेनाइज कराई थी, उसका नाम ICL था, इंडियन क्रिकेट लीग, जो कि IPL से पहले आई थी। सारे बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं, ब्रायन लारा वगैरह सारे यहाँ ही खेले थे, लेकिन अब यहाँ पे इतने मैचेस नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ जूनियर इंटरनेशनल मैचेस जो कि U19 वगैरह होते हैं, एंड बाकी यहाँ पे मूवी की शूटिंग्स बहुत होती हैं। जैसे अभी रिसेंटली शाहिद कपूर की मूवी आ रही है जर्सी, तो वीक अगो यहाँ पे शूटिंग हो रही थी उन्हीं की, तो मैं आया था तो मैंने इंस्टा पे स्टोरी पाई थी, जो मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने देखी होगी। तो यहाँ पे आए दिन शूटिंग चलती रहती है, नहीं तो क्रिकेट प्रैक्टिस तो चलती है रोज़, तो यहाँ बच्चे आके प्रैक्टिस भी करते हैं। सो ये भी दो न्यू टेनिस कोर्ट्स हैं अभी स्टेडियम में बने हैं, अभी रिसेंटली ही बने हैं हफ्ते पहले ही, तो कल लाइंस लग रही थी, तो पहले नहीं थे स्टेडियम में जब पापा टेनिस कोच थे यहाँ पे, तो पापा का सेंटर 6 सेक्टर में था, तो लेकिन अब ये यहाँ पे बनाए हैं तो अच्छा यहाँ पे प्लेयर्स आके खेल सकते हैं, तो टेनिस प्लेयर के लिए एक बेनिफिट है। ये देखिए WWE के फैन, बहुत ही बड़े बिग शो के फैन। I challenge you, come here, talk to me, come here right now. I'm come here. ये देखो इसको रिंग देखती जाए जोश आता है, अभी कूद लग गया। बस कर आजा भाई आजा। तो भाई ये पीछे जो आप देख रहे हैं सारे हॉस्टल्स हैं, ये गर्ल्स हॉस्टल है, इसके पीछे बॉयज हॉस्टल है, तो जितने भी प्लेयर लोग आते हैं या फिर जब कोई टूर्नामेंट होता है तो सारे यहीं स्टे करते हैं, या फिर कोई बाहर से प्लेयर्स यहाँ पे आके अपनी गेम खेलते हैं तो सारे यहीं आके रुकते हैं, तो ये गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड है। भाई ये पीछे जो आप देख रहे हैं मल्टीपर्पज़ हॉल है, एंड ये अभी बना है 1-2 साल पहले, एंड यहाँ पे काफ़ी इवेंट आजकल हो रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे रिसेंटली खली ने इवेंट कराया था, जो कि इन्होंने फॉरेन से फाइटर्स मंगाए थे एंड इंडियन सेलिब्रिटीज भी थे, तो यहाँ पे आके मैच हुए थे सारे WWE जैसे मैचेस थे, रेसलिंग मैचेस थे, एंड उसके अलावा प्रो कबड्डी लीग भी होती है जो आप TV पे देखते हो इंडिया की, जो यहीं पे होता है, एक यही वेन्यू है, तो हर साल यहीं पे होता है, एंड जितने भी एथलीट्स हैं यहीं आते हैं, एंड ये भी नवा बना है एंड काफ़ी अच्छा बना अंदर से, अभी तो बंद है नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस एक ये बैडमिंटन हॉल है, यहाँ पे भी 6 कोर्ट्स हैं, एंड यहाँ पे भी काफ़ी प्लेयर्स आते हैं, सुबह शाम बच्चे आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने, 2-3 कोचेज हैं यहाँ पे हमारे नोन में ही हैं, एंड यहाँ पे मेंबर्स भी हैं जो कि सुबह मॉर्निंग खेलते हैं मेंबर्स, बाकी बच्चे भी सुबह शाम है, तो अच्छा यहाँ पे माहौल है, 6 कोर्ट्स हैं एंड यहाँ से काफ़ी बैडमिंटन के अच्छे प्लेयर्स निकले हैं। तो सो गाइज ये था सारा स्टेडियम जो आपको दिखाया है, पहले जो एथलेटिक ग्राउंड दिखाया था वो जहाँ पे हम प्रैक्टिस भी करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, सारे एथलीट्स आते हैं, एंड जो फिर ये इधर साइड में क्रिकेट स्टेडियम है जो कि पुराना काफ़ी बना हुआ है, यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल मैच होते हैं लेकिन जूनियर्स होते हैं, एंड बैडमिंटन हॉल भी था पीछे उस साइड में, एंड वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मल्टीपर्पज हॉल, सारा बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, एंड ये इसका नाम ताऊ देवी लाल स्टेडियम है जो कि सेक्टर 3 पंचकुला में है, एंड ये चौटाला फैमिली के नाम के ऊपर बना हुआ है, तो ये काफ़ी टाइम हो गया इसको बने हुए, एंड मेरे फादर भी यहीं पे जॉब करा करते थे, वो भी कोच थे, तो मेरा तो आना जाना लगा ही रहता था, तो बस अब जब हम घर जाने लगे हैं, ये भी लेट हो रहा है, इसने काम से कहीं जाना है एंड मैंने भी आगे जाना है, तो ये व्लॉग हम यहीं एंड कर रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। जय।